हकीकत किसी को भी पता नहीं है, और मुझे पता है आप लोग मुझे कमेंट में गालियां देंगे, बुरा कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को सच बता के ही रहूँगा। आज से 2 साल पहले मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे बेटे आसिम जमील ने पसंद की शादी की थी, लड़की को भगा कर शादी की थी। तो उस शादी से आसिम जमील के जो घर वाले थे वो राज़ी नहीं थे, तो वो आसिम जमील जो है लड़की को भगा कर घर ले आया था। तो मौलाना तारिक जमील साहब, तो आसिम जमील के मतलब जो घर वाले थे, मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब की बीवी, उनकी वालदा और उनके भाई, सब जो घर वाले थे वो राज़ी नहीं थे, और हर रोज़ वो आसिम जमील को गालियां देते थे, उनको बुरा कहते थे, कहते थे हमारा इतना बड़ा नाम है, आपने हमारा नाम जो है मिट्टी में मला दिया है। तो रोज़ाना उनको ताने देते थे, तो रोज़ाना मियां बीवी में उनमें जो है झगड़ा होता था। तो इन तानों की वजह से आसिम जमील ने उस अपनी बीवी को तलाक दे दी। जब अपनी बीवी को आसिम जमील ने तलाक दे थी, उस वक्त से आसिम जमील का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ख़राब हो गया, और आसिम जमील जो है वो जहन से जो है अपने हाथ धो बैठे, मतलब जहनी तवाज़ुन बिल्कुल उनका जो है ख़राब हो गया, और वो डिप्रेशन के मरीज बन गए उस दिन से, जब से जो है उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी। तलाक इस वजह से दी क्योंकि आसिम जमील के घर वाले जो थे वो बिल्कुल भी शादी से राज़ी नहीं थे, तो उस वजह से उनकी बीवी से उनको तलाक दिलवाई, और उस दिन से जो है ये आसिम जमील जो है बेचारे बीमार पड़ गए, अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है अपना ख़राब कर बैठे उस वजह से। और ये 2 दिन पहले उन्होंने अपने आप को जो ख़त्म किया है ना, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ख़त्म किया है, क्योंकि वो बेचारे इसलिए डिप्रेशन में थे क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा था, घर वालों के ताने सुनता था, इसलिए। बाकी कह रहे हैं ये है वो है ये वो, कुछ भी नहीं है, मैंने ये क्लियर कर दिया है आप लोगों को, ये जो मैंने बताया है ये सच है। अब मुझे पता है मुझे कमेंट में ये दे गालियां देंगे, ये है वो है, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया है ये सच है, बिल्कुल सच है। जज़ाकअल्लाह।